टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। देश की झोली में एक गोल्ड समेत कुल 7 मेडल आए। इससे अभिभूत होकर ओडिशा सरकार ने राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंत्रिमंडल के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया है कि राज्य के कई शहरी क्षेत्रों में 89 बहुदेशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। इसके लिए कुल 693 करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने कहा, मंत्रिमंडल ने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय हॉकी टीमों की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने बताया कि अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इन स्टेडियमों को अगले 18 महीने में तैयार कर लिया जाएगा। ओडिशा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री ने कहा, इससे राज्य में खेलों के विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार कटक, भुवनेश्वर और राउरकेला समेत 85 शहरी क्षेत्रों में इस परियोजना को लागू करेगी। ओडिशा सरकार राज्य में खेलों में बड़ा बदलाव लाना चाहती है। इन स्टेडियमों का नाम बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम रखा जाएगा। ये स्टेडियम भुवनेश्वर, कटक और राउरकेला के साथ ही 30 नगर पालिकाओं और 52 नोटिफाइड एरिया काउंसिल में बनाए जाएंगे। इसके तहत नगर निगमों में बनाए जाने वाले स्टेडियम पर 10 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च होंगे और नोटिफाइड एरिया काउंसिल्स में 6 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, योग, व्यायाम शाला और खेलने की सुविधा होगी। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदाओं जैसे साइक्लोन, बाढ़ या भूकंप के समय इन्हें शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं महामारी के वक्त इन स्टेडियमों को अस्पताल में बदला जा सकेगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के वक्त देश के कई राज्यों में इंडोर स्टेडियम का अस्थायी अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।